स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम कैसे होता है इसको हम पहले इसको एक इमेज बना लो कि सिंपल स्क्वैमस मतलब क्या। जब आप नाम सुन रहे हो ना तो आपके दिमाग में एक इमेज सेट हो जाए, तो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनना। सिंपल स्क्वैमस होता है ऐसे पतली पतली लेयर होती है और ये जो होता है चीजों को ना बाहर से कवर करती है। जैसे समझना, यदि मैं बोला ग्लैंड, तो ग्लैंड के जो अंदर की सेल्स हैं वो क्यूबॉइडल हैं, लेकिन यदि उसी ग्लैंड को बाहर से कोई कवर कर रही है तो वो होता है क्या, सिंपल स्क्वैमस। स्क्वैमस मतलब पतली पतली परत। जैसे हम घर की बात करें तो घर में टाइल्स लगी होती है, लेकिन आप देखोगे टाइल्स पतली पतली लगी होती है, नीचे तो गिट्टी और रेत होता है, समझ गए। तो इस तरह की जो सेल होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, स्क्वैमस। क्या बोलते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना के समझ लेते हैं। हम बात कर रहे हैं स्क्वैमस एपिथेलियम की। तभी इतना प्यारा बना पा रहा हूँ। हाँ चलो, जैसे मान लो ये इसके अंदर ये जो सेल टाइप में दिख रहा है ना, ये स्केल्स हैं। क्या होते हैं स्केल्स, यदि तुम इसको ऐसे मछली को पकड़ोगे तो हाथ में लग जाती है। ये इसकी बॉडी में जो स्केल्स होते हैं ना, ऐसे सुनहरे सुनहरे लगते हैं ना, इसको ऐसे पकड़ो तो ऐसे फिसल जाएगी, लेकिन हाथ में चिपक जाता है ये चीज। तो सेम टू सेम इसी तरह होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। इस तरह नहीं, मछली टाइप की नहीं, किस तरह की, इसकी ये जो बॉडी है ना इस तरह से होती है क्या, स्क्वैमस एपिथेलियम। इसी को हम बोल सकते हैं टेसलेटेड या टाइल्स जैसे भी बोल सकते हैं, थोड़ा सा है ना पेवमेंट एपिथेलियम भी हम इसको बोलते हैं, समझ गए ना जी। आइए अब यदि हम बात करें, पहला क्या है इट इज ऑल्सो नोन एज पेवमेंट एंड टेसलेटेड एपिथेलियम। मतलब वो वाली एपिथेलियम जो कैसी होती है, टाइल्स टाइप का। सेकंड है यूनिलेटरल एपिथेलियम, मतलब हर जगह सिंगल लेयर ही रहेंगी। उसके बाद द सेल प्रेजेंट द बेसमेंट मेम्ब्रेन आर फ्लैट लाइक स्केल्स इन शेप। अरे मछली तो देखे हो ना, नहीं देखा अभी उसमें इधर पे क्या सिंधी कॉलोनी में ऐसे रास्ता जाता है, वहाँ पे बहुत सारे लगे रहते हैं एकदम हैवी, जाके देखना। मैं आ रहा था जब पढ़ा था तो मैं बाइक रोक के लिया नहीं था, खड़े होकर देख रहा था। हाँ देखना, अब गौर से देखना। अप फ्लैटेंड एंड राउंडेड न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर ना देखो फ्लैट और राउंडेड न्यूक्लियस होता है ये। मतलब लोई को समझ गए, ऐसा न्यूक्लियस होता है। फिर द वर्टिकल कार अपेयरेंस रेक्टेंगुलर ड्यू टू इट्स सेल अपीयरिंग लाइक टाइल्स ऑन फ्लोर, दिस टिश्यू इज आल्सो कॉल्ड द पेवमेंट एपिथेलियम। ये हो गया था। उसके बाद इट सम प्लेस इट कॉल्ड द टेसलेटेड, है ना, या वेवी एपिथेलियम। टेसलेटेड या वेवी एपिथेलियम मतलब कि ये कुछ ऐसे डिजाइनदार भी होता है ये एपिथेलियम। अरे ये देख डिजाइन है ना, इसको इसको काटो ऐसा ही तो दिखा, हो तो गई वेव, है ना। तो ये वेवी एपिथेलियम भी बोलेंगे। फिर होता है इट इज रिलेटेड टू द टिश्यू डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन। ये क्या करता है, डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन में काम करता है। मतलब हमको समझ में आ गया, यदि ये फिल्ट्रेशन में काम करता है तो कुछ हो ना हो ये बोमेन कैप्सूल में जरूर होगा, क्योंकि वहाँ क्या होता है फिल्ट्रेशन, है ना। और देखते हैं अपन एग्जाम्पल देख लो, ऊपर ही लिखा है, देख के तो बोला था। आइए हेलो, यदि हम बात करें बोमेन कैप्सूल तो आप सबको याद ही होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ। जब आप एग्जाम्पल लिखोगे ना, यदि कॉपी अच्छे से बनाना तो डायग्राम वही बनाते जाना तो याद रह जाएगा। तो बोमेन कैप्सूल कुछ ऐसा था,
याद आया ये क्या था, एफरेंट आर्टरी, एफरेंट आर्टरी, और यहाँ पे ये जो सेल है कौन सी सेल थी बोलो, पोडोसाइट सेल, और यहाँ पे कौन सा टिश्यू प्रेजेंट होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम, कौन सा होता है स्क्वैमस एपिथेलियम। तो क्या लिखा है, स्केल-लाइक सेल पोडोसाइट है ना, पोडोसाइट है। फिर लूप ऑफ हेनले डिसेंडिंग एंड थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिप, लूप ऑफ हेनले मतलब समझ गए बच्चों, कल तो तुम लोग इसको पढ़ के भी आए होगे मुझे ऐसा लग रहा है। समझ गए क्या लिखा है, लूप ऑफ हेनले मतलब जे वाला नीचे वाला लूप ऑफ हेनले, फिर डिसेंडिंग एंड थिन पार्ट ऑफ असेंडिंग लिप मतलब यही जो जा रहा है और ये जो जा रहा है, जो आ रहा है जो जा रहा है। सब लोग ध्यान से मेरे साइड ही देखेंगे, भले मैं तुम्हारे साइड नहीं देख रहा, मैं इधर देखूँ तुम्हारे साइड देखूँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो, समझ गए, तो भी इधर देखोगे। फिर रेटे टेस्टिस, रेटे टेस्टिस कहाँ होती है ये भी बनाना डायग्राम में, रेटे टेस्टिस कहाँ होती है ये भी बनाना है तुमको। तो आओ, ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस जहाँ पे स्पर्म बनते हैं, समझ गई। हाँ, तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस की बात करें तो भैया यहाँ सेमनीपेरस ट्यूब्स होती हैं, क्या होती हैं यहाँ पे सेमनीपेरस ट्यूब्स होती हैं, सेमनीपेरस ट्यूब्स आगे जो है बड़ी बड़ी ट्यूब बनाती हैं, सेमनीपेरस ट्यूब्स जो है आगे जो है बड़ी बड़ी ट्यूब्स बनाती हैं जिनको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। जिंदगी में खाने के अलावा कोई काम नहीं है तुम लोगों को, अरे टाइम होता फिर मैं अभी गुस्सा आके डांटूंगा बहुत तेज है। ये क्या हो गया जी, रेटे टेस्टिस, तो कहाँ होता है ये फीमेल के समझ गए कहाँ हो गए, टेस्टिस में। सुनो ये जो छोटी पाइप है ना ये सेमनीपेरस ट्यूब्स होती हैं, और सेमनीपेरस ट्यूब्स ना अपना जो मटेरियल एक बड़े पाइप में रिलीज करती है जिसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस, क्लियर। उसके बाद एल्वोलाई ऑफ लंग और स्मॉल ब्रोंकियोल्स, तो एल्वोलाई ऑफ लंग सबको पता है, मैं इसको इसलिए बता दे रहा हूँ कि यदि तुम लोग रिवीजन नहीं किए होगे तो भी याद होना चाहिए भैया। ये जो एल्वोलाई होते हैं इसके, ये जो एल्वोलाई होते हैं यहाँ भी क्या होता है अपना स्क्वैमस एपिथेलियम प्लस साथ में क्या स्मॉल ब्रोंकियोल्स, मतलब इसकी ब्रांचेज भी तो निकलती हैं, तो इसकी ब्रांचेज होती है स्मॉल ब्रोंकियोल्स और ये होता है एल्वोलाई। तो ये सारे के सारे हमारे एग्जांपल किसके हो गए, स्क्वैमस एपिथेलियम के, याद रखिएगा। देखो सारे एग्जांपल को मैं डायग्राम बना बना इसलिए बोल रहा हूँ कि दिमाग में डायग्राम फीड हो जाता है, समझ गए ना। आइए फिर हम बात करेंगे सीलोम्स कवरिंग मीजोथीलियम, सीलोम कवरिंग मीजोथीलियम मतलब हमारी बॉडी में जो पाइप टाइप की रहती है ना उसको कैसे कवर करता है। अभी जो तुमने डायग्राम बनाया पूरा ओपन ओपन पार्ट था, लेकिन अब जो देखेंगे ना क्या है पता है, सीलोम मतलब क्या होता है, सिर्फ सीलोम मतलब, सिर्फ सीलोम मतलब होता है कि पाइप, रिफिल होती है रिफिल, रिफिल होती है, इंक भरी होती है ना, तो अंदर का जो एरिया होता है वो सीलोम होता है। कोई तो सुन लो, इंटरनल एंड वॉल पेरिटोनियम, अंदर का जो अंदर वाली जो लेयर होती है। फिर क्या है, इंट्रा प्लूरल एंड प्लूरल कैविटी, अंदर वाली ये भी बात हो गई। फिर इंटीमेट एंड इंटरनल एंड वॉल पेरिकार्डियम होगा, इंटीमेट मतलब वही जो हार्ट के अंदर की जो लेयर, मतलब सीधी सी बात है वो सारी जो लेयर के अंदर वाली चीज होती है जो गैप होता है। जैसे देखो ये हम बात करें, अच्छा बना तो मेरा, नहीं बना तो तुम लोगों का, ये रुचि के लिए बनाया गया है, तभी तो ग्रीन कलर का किया हूं है ना। उसको नहीं लगता, ये पेरिकार्डियम लेयर है, क्या है पेरिकार्डियम लेयर है।
पेरिकार्डियम में यहाँ पे क्या भरा हुआ है, कुछ लिक्विड भरा है, पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा हुआ है। अब जो इसके अंदर वाली लेयर है ना जी, ये हेलो कोई तो सुन लो, ये वाला जो लेयर है ये है स्क्वैमस एपिथीलियम। नहीं आया पक्का? ठीक है। फिर एंडोथीलियम मतलब अब अंदर की चीजें, जैसे ब्लड वेसल्स के अंदर, तो क्या हो जाएगा इंटरनल लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। जैसे ब्लड वेसल्स खून की नली, खून की नदी बोल दो। ये जो अंदर वाली लेयर है ना भैया, ये भी है इंटरनल लेयर ऑफ लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स जो हमारी बॉडी में ग्रीन कलर की वेसल्स है, जो ग्रीन कलर की लिम्फेटिक वेसल्स है, इसके अंदर वाली जगह भी यही है। फिर द इनर लेयर ऑफ द हार्ट, दिल के अंदर की चीजें। हेलो। फिर बिकॉज द टिश्यू अपीयर टू बी वेवी फ्रॉम ऑफ दिस प्लेस, मैंने जगह बताया था, देखो ये कैसा है, बेबी वेवी। हेलो। यदि ये वेवी फॉर्म नहीं होगा ना, तो दिल जब फूलेगा तो टूट जाएगा, नहीं समझे? अभी थोड़ा फूलेगा तो थोड़ा सा बच जाएगा। क्यों बच जाएगा? थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा उसको, किसको? जब भी तुम लोगों को दिल से दुआ लगे, मतलब दिल से बुरा लगे, तो सीधे बोला करो स्क्वैमस एपिथीलियम थैंक यू सो मच, सपोर्ट करता है।